हर हर महादेव आप सभी को। आज हम शिव पुराण के रुद्र संहिता के द्वितीय खंड के 25वें अध्याय के बारे में जानेंगे। पिछले अध्याय में हमने ये जाना कि माता सती माँ सीता का वेश धारण करके श्री राम की परीक्षा लेने जाती है, पर फिर भी श्री राम उन्हें पहचान लेते हैं और उन्हें नमन करते हैं। तो ये बात जानकर माता सती को बड़ा आश्चर्य होता है। तभी वे श्री राम से पूछते हैं कि आप भगवान शंकर के वंदनीय कैसे हो गए। पिछले कथा में भी हमने यही जाना था कि शिव जी श्री राम को वन में विचरते हुए प्रणाम करते हैं, तो ये बात वो श्री राम के पास से जानना चाहती है। तो इस अध्याय में हम यही समझेंगे। अभी श्री राम उन्हें ये कथा का वर्णन करते हैं कि वे शंकर भगवान के वंदनीय कैसे हो गए। तो चलिए श्री महादेव का नाम लेकर इस शुभ कथा का आरंभ करते हैं। श्री राम बोले, देवी, प्राचीन काल में एक समय परम श्रष्टा भगवान शंभु ने अपने परात्पर धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर उनके द्वारा अपनी गौशाला में एक रमणीय भवन बनवाया, जो बहुत ही विस्तृत था। उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन का भी निर्माण कराया। उस सिंहासन पर भगवान शंकर ने विश्वकर्मा द्वारा एक छत्र बनवाया, जो बहुत ही दिव्य, सदा के लिए अद्भुत और परम उत्तम था। तत्पश्चात उन्होंने सब ओर से इंद्र आदि देवगणों, सिद्धों, गंधर्वों, नाग आदि को तथा संपूर्ण उपदेवों को भी शीघ्र वहां बुलवाया। समस्त वेदों और आगमों को, पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, मुनियों को तथा अप्सराओं सहित समस्त देवियों को, जो नाना प्रकार की वस्तुओं से संपन्न थीं, आमंत्रित किया। इनके सिवा देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और नागों की 16-16 कन्याओं को भी बुलवाया, जिनके हाथों में मांगलिक वस्तुएं थीं। मुने वीणा, मृदंग आदि नाना प्रकार के वाद्यों को बजवाकर सुंदर गीतों द्वारा महान उत्सव रचाया। संपूर्ण औषधियों के साथ राज्याभिषेक के योग्य द्रव्य एकत्र किए गए। प्रत्यक्ष तीर्थों के जलों से भरे हुए 5 कलश भी मंगवाए गए। इनके सिवा और भी बहुत सी दिव्य सामग्रियों को भगवान शंकर ने अपने पार्षदों द्वारा मंगवाया और वहां उच्च स्वर से वेद मंत्रों का घोष करवाया। देवी, भगवान विष्णु की पूर्ण भक्ति से महेश्वर देव सदा प्रसन्न रहते थे, इसलिए उन्होंने प्रीति युक्त हृदय से श्री हरि को वैकुंठ से बुलवाया और शुभ मुहूर्त में श्री हरि को उस श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठाकर महादेव जी ने स्वयं ही प्रेम पूर्वक उन्हें सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट बांधा और उनसे मंगल कौतुक कराए गए। यह सब हो जाने के बाद महेश्वर ने स्वयं ब्रह्मांड मंडप में श्री हरि का अभिषेक किया और उन्हें अपना वह सारा ऐश्वर्य प्रदान किया जो दूसरों के पास नहीं था। तदंतर स्वतंत्र ईश्वर भक्तवत्सल शंभु ने श्री हरि का स्तवन किया और अपनी पराधीनता को सर्वत्र प्रसिद्ध करते हुए वे लोककर्ता ब्रह्मा से इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, लोकेश, आज से मेरी आज्ञा के अनुसार ये विष्णु हरि स्वयं मेरे वंदनीय हो गए। इस बात को सभी सुन रहे हैं। तात, तुम संपूर्ण देवता आदि के साथ इन श्री हरि को प्रणाम करो और ये वेद मेरी आज्ञा से मेरी ही तरह इन श्री हरि का वर्णन करें। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, देवी, भगवान विष्णु की शिव भक्ति देखकर प्रसन्नचित हुए वरदायक भक्तवत्सल रुद्र देव ने उपर्युक्त बात कहकर स्वयं ही श्री गरुड़ ध्वज को प्रणाम किया। तदंतर ब्रह्मा आदि देवताओं, मुनियों और सिद्ध आदि ने भी उस समय श्री हरि की वंदना की। इसके बाद अत्यंत प्रसन्न हुए भक्तवत्सल महेश्वर ने देवताओं के समक्ष श्री हरि को बड़े बड़े वर प्रदान किए। महेश्वर बोले, हरे, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण लोकों के कर्ता, पालक और संहारक हो। धर्म, अर्थ और काम के दाता तथा दुर्नीति अथवा अन्याय करने वाले दुष्टों को दंड देने वाले हो। महान बल पराक्रम से संपन्न जगत पूज्य जगदीश्वर बने रहो। सम्रांगण में तुम कहीं भी जीते नहीं जा सकोगे, मुझसे भी तुम कभी पराजित नहीं होगे। तुम मुझसे मेरी दी हुई 3 प्रकार की शक्तियां ग्रहण करो। एक तो इच्छा आदि की सिद्धि, दूसरी नाना प्रकार की लीलाओं को प्रकट करने की शक्ति और तीसरी तीनों लोकों में नित्य स्वतंत्रता। हरे, जो तुमसे द्वेष करने वाले हैं वे निश्चय ही मेरे द्वारा प्रयत्न पूर्वक दंडनीय होंगे। विष्णु, मैं तुम्हारे भक्तों को उत्तम मोक्ष प्रदान करूंगा। तुम इस माया को भी ग्रहण करो, जिसका निवारण करना देवता आदि के लिए भी कठिन है तथा जिससे मोहित होने पर यह विश्व जड़ रूप हो जाएगा। हरे, तुम मेरी बाई भुजा हो और विधाता दाहिनी भुजा हैं। तुम इन विधाता के भी उत्पादक और पालक होगे।
मेरा हृदय रूप जो रुद्र है वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। वह रुद्र तुम्हारा और ब्रह्मा आदि देवताओं का भी निश्चय ही पूज्य है। तुम यहाँ रहकर विशेष रूप से संपूर्ण जगत का पालन करो। नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले विभिन्न अवतारों द्वारा सदा सबकी रक्षा करते रहो। मेरे चिन्मय धाम में तुम्हारा जो यह परम वैभवशाली और अत्यंत उज्जवल स्थान है वह गोलोक नाम से विख्यात होगा। हरे, भूतल पर जो तुम्हारे अवतार होंगे वे सबके रक्षक और मेरे भक्त होंगे। मैं उनका अवश्य दर्शन करूंगा, वे मेरे वर से सदा प्रसन्न रहेंगे। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, देवी इस प्रकार श्री हरि को अपना अखंड ऐश्वर्य सौंपकर उमावल्लभ भगवान हर स्वयं कैलाश पर्वत पर रहते हुए अपने पार्षदों के साथ स्वच्छंद क्रीड़ा करते हैं। तभी से भगवान लक्ष्मीपति वहां गोप वेश धारण करके आए और गोप गोपी तथा गौओं के अधिपति होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। वे श्री विष्णु प्रसन्नचित हो समस्त जगत की रक्षा करने लगे। वे शिव की आज्ञा से नाना प्रकार के अवतार ग्रहण करके जगत का पालन करते हैं। उन चार भाइयों में सबसे बड़ा मैं राम हूँ, दूसरे भरत हैं, तीसरे लक्ष्मण हैं और चौथे भाई शत्रुघ्न हैं। देवी मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वन में आया था। यहाँ किसी निशाचर ने मेरी पत्नी सीता को हर लिया है और मैं वीर ही होकर भाई के साथ इस वन में अपनी प्रिया का अन्वेषण करता हूँ। जब आपका दर्शन प्राप्त हो गया तब सर्वथा मेरा कुशल मंगल ही होगा। माँ सती, आपकी कृपा से ऐसा होने में कोई संदेह नहीं है। देवी निश्चय ही आपकी ओर से मुझे सीता की प्राप्ति विषयक वर प्राप्त होगा। आपके अनुग्रह से उस दुख देने वाले पापी राक्षस को मारकर मैं सीता को अवश्य प्राप्त करूंगा। आज मेरा महान सौभाग्य है जो आप दोनों ने मुझ पर कृपा की। जिस पर आप दोनों दयालु हो जाएं वह पुरुष धन्य और श्रेष्ठ है। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर कल्याणमयी सती देवी को प्रणाम करके रघुकुल शिरोमणि श्री राम उनकी आज्ञा से उस वन में विचरने लगे। पवित्र हृदय वाले श्री राम की यह बात सुनकर सती मन ही मन शिव भक्ति परायण श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करती हुई बहुत प्रसन्न हुई, पर अपने कर्म को याद करके उनके मन में बड़ा शोक हुआ। उनकी अंग कांति फीकी पड़ गई, वे उदास होकर शिव जी के पास लौटी। मार्ग में जाती हुई देवी सती बारंबार चिंता करने लगी कि मैंने भगवान शिव की बात नहीं मानी और श्री राम के प्रति कुत्सित बुद्धि कर ली। अब शंकर जी के पास जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगी। इस प्रकार बारंबार विचार करके उन्हें उस समय बड़ा पश्चाताप हुआ। शिव के समीप जाकर सती ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उनके मुख पर विषाद छा रहा था, वे शोक से व्याकुल और निस्तेज हो गई थी। सती को दुखी देख भगवान हर ने उनका कुशल समाचार पूछा और प्रेम पूर्वक कहा, तुमने किस प्रकार परीक्षा ली। उनकी यह बात सुनकर सती मस्तक झुकाए उनके पास खड़ी हो गई। उनका मन शोक और विषाद में डूबा हुआ था। भगवान महेश्वर ने ध्यान लगाकर सती का सारा चरित्र जान लिया और उन्हें मन से त्याग दिया। वेद धर्म का प्रतिपालन करने वाले परमेश्वर शिव ने अपनी पहले की हुई प्रतिज्ञा को नष्ट नहीं होने दिया। सती का मन से त्याग करके वे अपने निवासभूत कैलाश पर्वत पर चले गए। मार्ग में महेश्वर और सती को सुनाते हुए आकाशवाणी बोली, परमेश्वर तुम धन्य हो और तुम्हारी यह प्रतिज्ञा भी धन्य है। तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा महायोगी और महाप्रभु दूसरा कोई नहीं है। वह आकाशवाणी सुनकर देवी सती की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, नाथ मेरे परमेश्वर आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है बताइए। सती के इस प्रकार पूछने पर भी उनका हित चाहने वाले प्रभु ने पहले अपने विवाह के विषय में भगवान विष्णु के सामने जो प्रतिज्ञा की थी उसे नहीं बताया। मुने, उस समय सती ने अपने प्राणवल्लभ पति भगवान शिव का ध्यान करके उस समस्त कारण को जान लिया जिससे उनके प्रियतम ने उन्हें त्याग दिया था। शंभु ने मेरा त्याग कर दिया, इस बात को जानकर दक्ष कन्या सती शीघ्र ही अत्यंत शोक में डूब गई और बारंबार सिसकने लगी। सती के मनोभाव को जानकर शिव ने उनके लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे गुप्त ही रखा और वे दूसरी दूसरी बहुत सी कथाएं कहने लगे। नाना प्रकार की कथाएं कहते हुए वे सती के साथ कैलाश पर जा पहुंचे और श्रेष्ठ आसन पर स्थित हो चित्त वृत्तियों के निरोध पूर्वक समाधि लगा अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे। सती मन में अत्यंत विषाद ले अपने उस धाम में रहने लगी। मुने, शिवा और शिव के उस चरित्र को कोई भी नहीं जानता। महामुने स्वेच्छा से शरीर धारण करके लोक लीला का अनुसरण करने वाले उन दोनों प्रभुओं का इस प्रकार वहां रहते हुए दीर्घ काल व्यतीत हो गया।
तत्पश्चात उत्तम लीला करने वाले महादेव जी ने ध्यान तोड़ा। यह जानकर जगदम्बा सती वहां आई और उन्होंने व्यथित हृदय से शिव के चरणों में प्रणाम किया। उदारचेता शंभु ने उन्हें अपने सामने बैठने के लिए आसन दिया और बड़े प्रेम से बहुत सी मनोरम कथाएं कही। उन्होंने वैसी ही लीला करके सती के शोक को तत्काल दूर कर दिया। वे पूर्ववत सुखी हो गईं। फिर भी शिव ने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा। तात, परमेश्वर शिव के विषय में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। मुनिलोक शिवा और शिव की ऐसी ही कथा कहते हैं। कुछ मनुष्य उन दोनों में वियोग मानते हैं, परंतु उनमें वियोग कैसे संभव है? शिवा और शिव के चरित्र को वास्तविक रूप से कौन जानता है? वे दोनों सदा अपनी इच्छा से खेलते और भांति भांति की लीलाएं करते हैं। सती और शिव वाणी और अर्थ की भांति एक दूसरे के नित्य संयुक्त हैं। उन दोनों में वियोग होना असंभव है। उनकी इच्छा से ही उनमें लीला वियोग हो सकता है। तो यहाँ पर 25वें अध्याय की समाप्ति होती है। कल फिर मिलते हैं नए अध्याय के साथ। तब तक आप सभी को हर हर महादेव।